हरियाणा का इतिहास। ये हरियाणा का आज है। सानिया नेहवाल, साक्षी मलिक, दीपा मलिक, फोगाट बहने, निर्मला देवी, परिणीति चोपड़ा, ये है आज के हरियाणा की शेरनी, जो देश ही नहीं दुनिया में कामयाबी की ऊंचाइयां छू रही हैं। जो वार्षिक हमारी जेंडर रेशियो वो 900 से पार हो गई है। अगर हम केवल फरवरी की बात करें, फरवरी इस वर्ष की, तो 938 हो गई है। 1000 बेटों पर आज हरियाणा में 938 बेटियां हैं। बात वाकई खुशी की है। कई सालों से हरियाणा ने वो वक्त नहीं देखा जब 1000 बेटों में बेटियों की संख्या 900 के आसपास भी पहुंची हो। चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जताई थी। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने योजना लॉन्च की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटे और बेटी में भेद करने से बीमारी से निकल जाना चाहिए। बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। हरियाणा में योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर एक बेटी को ही चुना गया, फिल्म एक्टर परिणीति चोपड़ा। एज अ गर्ल कुछ करने के लिए, फॉर द गर्ल चाहिए, ये आई थिंक बहुत सारे लोग इससे नहीं जुड़े हुए, तो मुझे बहुत गर्व फील हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ब्रांड एम्बेसडर परिणीति की गुजारिश पर ही हरियाणा के लोगों ने गौर किया। बेटियों पर हरियाणा की सोच बदली, लोगों ने तय किया कि अब हरियाणा बेटियों की हत्या नहीं करेगा। बेटियों के लिए बदल गया हरियाणा। अब हरियाणा से सीखो बेटी बचाना, क्योंकि ये है हरियाणा। तो हरियाणा पूरे देश के लिए एक मिसाल, एक नजीर बन चुका है। 10 साल पहले जहां पर 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या सिर्फ 819 हुआ करती थी, आज वो 900 के पार पहुंच चुकी है। वाकई देश के हर राज्य को हरियाणा से बेटी बचाओ का मंत्र सीखना होगा। अब हरियाणा को हरियाणा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हरियाणा की छोरियां हरियाणा की पहचान जो बनी है। बेटियों के लिए हरियाणा में आए बदलाव, और हरियाणा में प्रति 1000 बेटों में बेटियों की गिनती 938 पहुंचने के पीछे हरियाणा सरकार की योजनाओं का अहम रोल रहा है। प्रण किया था देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कि हरियाणा का लिंगानुपात सम्मानजनक स्तर पर जरूर पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बेटियों को बचाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। जिस धरती पर कल्पना चावला का जन्म हुआ हो, जिसको लेकर के पूरा विश्व गर्व करता हो, उसी हरियाणा में मां के पेट में पल रही कल्पना चावलाओं को मार करके हम दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे। अगर अवसर मिलता है तो बेटे से बेटियां ज्यादा कमाल करके दिखाती हैं। पिछले एक दशक में ये पहली बार हुआ है जब हरियाणा में लिंगानुपात 900 के पार गया है। 2001 में हुई जनगणना रिपोर्ट में चाइल्ड सेक्स रेशियो प्रति 1000 लड़कों में 819 लड़कियां थी। 2011 में हुई जनगणना में बदलाव का संकेत मिला, लड़कियों की गिनती 834 पर पहुंची। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर आंकड़े जारी किए। बेटियों के लिए हरियाणा में बही बयार मन को सुकून देने वाली है। प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की गिनती 938 तक पहुंच गई। कुल मिलाकर के आज ये बढ़कर के जो वार्षिक हमारी जेंडर रेशियो वो 900 से पार हो गई है। अगर हम केवल फरवरी की बात करें, फरवरी इस वर्ष की, तो 938 हो गई है। इसलिए ये बहुत जल्दी ही जो 950 का हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक समाज के सहयोग से ये सब पहुँचेगा। और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि हरियाणा इसमें बहुत अग्रणी हुआ है, सारे देश में, सारी दुनिया में इसकी चर्चा है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा मिशन एक इस प्रकार का वो सफल होगा। और इसमें केवल बेटी बचाने का ही विषय नहीं है, इसको पढ़ाने के लिए हमने बहुत सी योजनाएं बनाई। सरकार की योजनाओं के साथ साथ हरियाणा के लोगों की सोच में भी बदलाव आना शुरू हुआ।
जीता जागता उदाहरण बना सेल्फी विद डॉटर कैंपेन। हरियाणा में जींद के बीवीपुर गांव के सरपंच सुनील जागलान ने इस कैंपेन की शुरुआत की, जिसे ना सिर्फ हरियाणा ने बल्कि पूरे देश में सेल्फी विद डॉटर कैंपेन एक जुनून बन गया। सेल्फी हो तो बस बेटी के साथ, बिना बेटी के सेल्फी बेकार। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे हरियाणा में एक क्रांति की तरह चलाया हुआ है, जिससे कि पूरे हमारे हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक सफल अभियान के रूप में लोगों के सामने आया है और बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। हरियाणा में महिला थाना की शुरुआत की गई। महिला थाना का मकसद महिलाओं को अपनी बात को बिना डर के पुलिस तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है। बेटियों को बचाने की तमाम कोशिशों के बीच हरियाणा में भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी समस्या थी। हरियाणा सरकार ने भ्रूण हत्या का भी तोड़ निकाल लिया। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि भ्रूण हत्या की खबर देने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार की योजना भी कारगर साबित हुई। तो भी श्रेय इस बात का जाता है कि एक ऐसा विषय जो किसी भी सरकार ने पहले सोचा नहीं और उसके ऊपर एक सोच बनी और एक सार्थक सोच बनी, उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम 1,00,000 के लगभग जिसमें अधिकांश महिलाएं थी ऐसे लोगों को बुला करके जो आह्वान किया था पानीपत में, उसका एक बहुत बड़ा हमको सहारा मिला है और उनको इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने इस अभियान की शुरुआत जो करवाई। हरियाणा ने तो बाजी मार ली, राज्य में प्रति 1,000 लड़कों में लड़कियों की गिनती 938 पहुंचा दी है। अब देश के दूसरे राज्यों को हरियाणा से सीख लेनी होगी बेटियों को बचाने की।